हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। आज मैं आप लोगों के साथ जो हूँ, मैं ये हॉलीवुड स्टाइल वालों की स्किन पॉलिशिंग का रिव्यू करने वाली हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह की मेरे पास 150 ml की पैकेजिंग में है, ठीक है। ये इस तरह से इसकी बैक साइड है और ये जो है इसकी यहाँ पर फ्रंट साइड है। ओके, अब जो दूसरी बात वो ये है कि अब हमने देखना है कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं और मतलब इसको अप्लाई करने का मेथड क्या है, इसकी प्राइस क्या है, ये किस किस पैकेजिंग में मिलती है। और मैं आपको इसकी एक अच्छी बात बता दूं, ये आपको पाकिस्तान, इंडिया, मतलब कहीं हर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के मतलब काफ़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल है और ये बड़े ही अफोर्डेबल है। इसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है और इसका रिज़ल्ट तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ओके फ्रेंड्स, तो अब बात कर लेते हैं इसको अप्लाई किस तरह से हमने करना है, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे मैंने भी हाथ में पकड़ा हुआ है रोज़ वाटर और वहाँ पे मेरे पास पड़ी हुई है हॉलीवुड स्टाइल वालों की स्किन पॉलिश। अब लगाने का मेथड ये है कि जिनकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा मतलब ड्राई है, फ्लेकी है, तो वो पहले थोड़ा सा इसका स्प्रे कर लें रोज़ वाटर का। इससे ये होता है कि आपकी स्किन जो होती है थोड़ी सी वेट हो जाती है, जिससे एप्लीकेशन करने में बहुत आसानी होती है। और ये वो स्किन वाले कभी इस्तेमाल ना करें जिनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्नी है या स्किन पे बहुत ज़्यादा मतलब स्कार्स हैं, वो इन चीज़ों को अवॉइड करें क्योंकि इसमें छोटे छोटे जो होते हैं ग्रैन्यूल्स हैं जिससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकती है। ये मेरे पास 150 ml की है और आपको इस तरह का दूसरा जार भी मिल जाएगा, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। और मैं आपको इनकी प्राइस भी बता देती हूँ, ये आपको कितनी कितनी प्राइस में मिल जाएंगी मार्केट में इजीली। अच्छा, तो अब बात होती है कि अब हमने इसको जो है अप्लाई किस तरह से करना है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको लगाने का तरीका बताती हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरे पास अभी जो है रोज़ वाटर है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। आपने क्या करना है, इसको लगाने से पहले जो है ना रोज़ वाटर का स्प्रे कर लेना है। जब आपकी स्किन जो है हल्की हल्की वेट होगी तो फिर आपने क्या करना है, फिर इसको जो है अपने फेस पे लगाना है। अब जिनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा जो है मतलब पिंपल हैं या एक्नी है या स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो प्लीज़ इस किस्म की चीज़ों को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें क्योंकि इससे फिर ये होगा आपको फ़ायदा पहुँचने के बजाय उल्टा आपकी स्किन मज़ीद ख़राब होगी। तो आप लोग ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। हाँ, आप मड मास्क वगैरह ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, मगर स्क्रब और ये इस तरह की स्किन पॉलिशिंग, क्योंकि इनमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं जो मतलब बीट पार्टिकल्स होते हैं जो मतलब स्किन से डेड स्किन रिमूव करते हैं, तो आपकी स्किन तो ऑलरेडी मतलब इतनी वो हो जाती है मतलब पिंपल वगैरह से ख़राब, तो आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। अब मैं आपको इस तरह यहाँ पे अपने अप्लाई करके दिखाती हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है। पहले मेरे पास ये रोज़ वाटर है, इसका मैंने यहाँ पे देखें स्प्रे कर लिया है। इस तरह से आपने हल्का हल्का वेट कर ही रखना है ताकि इससे जो है आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और स्किन मतलब ज़्यादा ड्राई भी नहीं होती। अब ये अंदर से देख लें इसका टेक्सचर कितना मतलब अच्छा है, ब्राउन, लाइट ब्राउनिश सा है और इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। एक दफ़ा आप लेके रख लें ये, इसको कम से कम जो है इससे आपका साल पूरा निकल जाता है। अब ये देख लें, मैंने इसको अप्लाई कर लिया। मैं इसको जो है एटलीस्ट जो है 15 से 20 मिनट्स तक जो है अप्लाई करके छोड़ दूँगी और अब आप देख लें इसके ग्रेन्यूल्स कितने छोटे छोटे से हैं। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, आप लगाते हैं तो आपकी स्किन एकदम से फेयर, सॉफ्ट और बड़ी पिंकिश सी टोन आने लग जाती है। अगर आप जल्दी में हैं और आप चाहते हैं कि मतलब किसी फंक्शन में जाना है कि आपका फेस अच्छा लगे, तो आप मेकअप करने से पहले जो है क्लिनजिंग करने के बाद ये भी लगा सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छी मतलब स्किन हो जाती है आपकी। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे एक और ट्रिक है, वो ये है कि जो चाहते हैं कि मतलब इसका भी रिज़ल्ट डबल से ट्रिपल हो जाए तो वो सिंपल क्या करें, कोई सा भी क्लिनजिंग मिल्क ले लें। जो चाहते हैं मतलब इसका रिज़ल्ट जो है डबल ट्रिपल हो जाए तो वो क्या करें, बेसिकली इसमें स्किन पॉलिशिंग के अंदर कोई सा भी क्लिनजिंग मिल्क लेके अंदर मिक्स कर लें दोनों को इक्वल क्वांटिटी में और फेस पे लगाएं। ट्रस्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट मिलता है, बहुत ही अच्छी फेयरनेस मिलेगी आपको। अच्छा, ये अब आप देख रहे हैं मैंने इसको अप्लाई किया हुआ है स्किन पॉलिशिंग को और अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आपके 20 मिनट्स पूरे हो जाएँ उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट स्टेप जो है क्या करना है। अब जब आप स्किन पॉलिशिंग लगा के जब आप फेस वगैरह वॉश कर लें तो आपको ना थोड़ी सी ड्राई होना फील शुरू हो जाएगी स्किन, तो इसको ओवरकम करने के लिए बेस्ट मेथड तो ये है कि आप कोई सा भी जो है अच्छा सा शीट मास्क यूज़ करें। ये मैंने पिछली वीडियोस में भी इनका रिव्यू दिया था, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वो देख सकते हैं कि आपको कहाँ से मिलेंगे और कितनी प्राइस की एवरीथिंग।
तो अब जब आपका स्किन पॉलिशिंग का सारा मेथड कंप्लीट हो जाए और जब आपको ड्राइनेस फील हो, तो आप एक दफ़ा ये इस तरह का कोई सा भी शीट मास्क अप्लाई कर लें, आपकी स्किन एकदम परफेक्ट हो जाएगी किसी भी इवेंट पे जाने के लिए। अच्छा, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।